a die is loaded in such a way that an even number is twice likely to occur as an odd number any probability of getting even number is two times the probability of getting odd number if the die is tossed twice two tosses find the probability distribution of the random variable x representing perfect square इन टू टॉसेज पहले तो इवन नंबर और ऑर्ड नंबर की प्रॉवर्टी देखते हैं क्या क्या बनेगी देखो प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग वन प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कितना वन होता मान लेते हैं ऑर्ड नंबर के क्या प्रॉबल्टी है एक्स तो इवन की क्या जाएगी टू एक्स एक्स टू एक्स एक्स number नंबर टू एक्स एक्स और टू एक्स छः और तीन नौ नाइन एक्स एज वन तो एक्स कितना आ गया वन बाई नाइन यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एन और नंबर यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग वन प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग थ्री और प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग फाइव कितना हो जाएगा एक्स यानी कि वन बाई नाइन और प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग इवन नंबर यानी कि प्रॉबल्टी ऑफ गेटिंग टू प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग फोर और प्रॉबल्टी ऑफ गेटिंग सिक्स टू एक्स है यानी कि देखो टू एक्स ना कितना रहेगा टू अपन में ठीक है अब x किस को रिप्रेजेंट रहा है परफेक्ट स्क्वायर इन टू टॉसेस अब भाई डाइस में ठीक है परफेक्ट स्क्वायर कैसे आ सकता है वन आ सकता है और फोर आ सकता है है ना तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स को तो ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ज़ीरो आ जाए एक आ जाए या दो आ जाए दो से ढाई से ना या तो वन और फोर की कुछ ही ना आए या फिर ऐसा हो जाए कि वन आ जाए या फिर फोर आ जाए एक और ऐसा हो सकता है वन और फोर दोनों आ जाए अब देखते हैं प्रॉवर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉलिटी प्रॉल्टी ऑफ वेटिंग जीरो सक्सेस यानी कि प्रॉवर्टी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो पहले में भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और दूसरे में भी नहीं आया है ना तो देखो प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर कितनी बन रही है हमारे पास तो वन नहीं आया और फोर भी नहीं आया तो क्या क्या हो सकता है इसमें देखो जरा इसमें हम ना प्रॉलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर को सक्सेस मान लेते हैं अगर वन आएगा वन एक और नंबर है उसकी प्रॉलिटी कितनी जाएगी वन बाई नाइन या फिर क्या आएगा फोर आएगा फोर के आने की प्रॉलिटी क्या जाएगी टू बाई नाइन तो कितना जगह थ्री बाई नाइन हो जाएगा यानी कि वन बाई थ्री और फेलियर कितना हो जाएगा टू बाई थ्री तो एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा यानी कि पहले में भी फेलियर और दूसरे में फेलियर तो कितना हो गया ये टू अपॉइंट थ्री इंटू टू अपॉइंट थ्री कितना हो गया फोर अपॉइंट नाइन अब देखते हैं प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग वन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है पहले वाले में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए यानी कि सक्सेस मिल जाए और दूसरे में फेलियर ऐसा हो सकता है कि पहले टॉस में फेलियर मिल जाए दूसरे में सक्सेस मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रॉबल्टी कितनी वन बाय थ्री ना आने की प्रॉबल्टी टू बाई थ्री टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री तो कितना गया फोर अपॉइंट नाइन ठीक है अब देखते हैं दोनों ही केस में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए यानी कि पहले में भी सक्सेस मिल जाए और दूसरे में भी सक्सेस मिल जाए तो इसकी प्रॉबलिटी कितनी है वन बाई थ्री और ये भी वन बाई थ्री तो कितना आ गया ये वन बाई नाइन इसमें हमने क्या कर लिया जो परफेक्ट स्क्वायर है भाई एक से लेकर छः तक एक तो वन है और एक फोर है तो वन के आने की प्रॉबर्टी के वन एक ऑर्ड नंबर है ऑर्ड नंबर के आने की प्रॉबलिटी वन बाई नाइन फोर फोर एक इवन नंबर है इवन नंबर के आने की प्रॉबर्टी टू बाई नाइन तो परफेक्ट स्क्वायर आना हमने क्या मान लिया सक्सेस तो सक्सेस की प्रॉबर्टी कितनी होगी वन बाई नाइन हर बार यही रहेगी इस क्वेश्चन में और फेलियर की प्रॉबर्टी टू बाई थ्री सक्सेस की वन बाई थ्री एंड फेलियर की टू बाई थ्री ज़ीरो सक्सेस यानी कि एक बार ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना है तो फेलियर फेलियर एक सक्सेस यानी कि एक बार आ सकता है हो सकता है पहले पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए दूसरे पे ना मिले ऐसा हो सकता है पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए और दो सक्सेस यानी कि पहले पे परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरे पे भी आना है ठीक है